हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिजाइन में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज अपन फिर से लेके आए हैं आपके लिए जीडी अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाला है, यूजर्स को क्या फायदा होने वाला है, और इसके डेवलपमेंट के बारे में कि इसमें डेवलपमेंट क्या क्या हम करके देंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा था कनेक्टिविटी के बारे में। आपको भी पता है दोस्तों, अपने जितने भी वीडियो आते हैं, मैं जैसे कि अपनी ये टाउनशिप जहाँ पर भी स्थित है इसके नियर बाई जो सबसे बड़ा लैंडमार्क होता है वहाँ से मैं कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। अब जैसे कि इसके नियर बाई जो लैंडमार्क है, जैसे कि चौकी डाणी है, टोंक रोड से अपन आते हैं, जैसे रिंग रोड आ, तो वहाँ से मैं कनेक्टिविटी दिखाते लाऊंगा और यहाँ पे फिर आएंगे। तो अपन सबसे पहले रोड की कनेक्टिविटी देख लेते हैं, कितने फिट का रोड है और कितना मार्केट है। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने प्रोजेक्ट पर। जैसे कि मैंने आप वीडियो में दिखाया था, अपन चौकीडानी से फिर उसके बाद में रिंग रोड आया था, रिंग रोड के बाद में वाटिका गांव आया था। वाटिका गांव से ये इसकी जो डिस्टेंस पड़ती है 1 किलोमीटर पड़ती है। तो ये हमारी गणेश वाटिका GDA अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप है। तो इसके बारे में आपको मैंने रोड दिखाई। अब मैं वेलकम करूँगा हमारे कॉलोनाइजर प्रदीप सिंह जी का, जो कि अपन एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें प्लॉट साइज क्या है, कितने फीट की रोड होने वाली है, कनेक्टिविटी वैसे आपको बताई दी और कहाँ पे ये स्थित है। तो एक एक करके यूजर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या अपन इसको डेवलप करके देखें। आइए सर। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। वापस से आप कॉलोनी लेके आए हो JD अप्रूव्ड, बहुत शानदार लग रही है। तो सर मुझे इस कॉलोनी के बारे में एक एक करके बताइए। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं सर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, तो मुझे इसके नियर बाय क्या क्या ग्रोथ लोकेशन है, क्या डेवलप होने वाला है, क्या डेवलप हो चुका है, हमारे यूजर्स को, मेरे यूट्यूब फैमिली को बताइए सर। सबसे पहले बात करें हम कनेक्टिविटी की। जी सर। तो इसकी कनेक्टिविटी वाटिका से भी है, रिंग रोड से भी है। आज वाटिका से देखें, वाटिका से कनेक्टिविटी है हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी। जी सर। और मेन जो जयपुर का जो रिंग रोड है जी, जिसको बोलते हैं कि जयपुर का रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है जयपुर, राइट सर। उससे है अभी की प्रेजेंट में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इन फ्यूचर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी। ओके सर। अच्छा, और दूसरी बात सर, ये अपना ये नियर बाई अपने इसकी ग्रोथ लोकेशन क्या क्या है, जैसे कि और भी अदर भी कॉलोनियाँ मैंने सुना है, यहाँ पे नियर बाई आवासन मंडल की भी योजना है, काफी बड़ी के भी हैं यहाँ पर। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड ने जो पॉइंट है वो हाउसिंग बोर्ड का है। जैसे आप हाउसिंग बोर्ड को देखो, अपने जयपुर का पिछले कुछ सालों का 10 या 15 या 20 साल पहले देखो, तो मेन जयपुर की जो बसी हुई कॉलोनी है सबसे अच्छी, जैसे मानसरोवर हो गई, प्रताप नगर हो गया, जगतपुरा हो गया, तो इनका मेन रीजन क्या है कि इतनी रेटें बढ़ने का और इतनी ग्रोथ देने का सबसे प्लस पॉइंट है इनमें हाउसिंग बोर्ड। जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड पहुँच जाता है वहाँ पर आबादी, और सबसे पहले आबादी पहुंचती है, उसके बाद में कनेक्टिविटी हो गई, जो भी फैसिलिटी की सारी जो कनेक्टिविटी वो मेन चीज़ होती है। अच्छा। उसके बाद में आते हैं वहाँ की, धीरे धीरे वो पूरा एरिया जो डेवलप हो जाता है और रेटें इतनी हाई हो जाती है, बहुत तगड़ी रेटें हो जाती है उस वाले एरिया की। अच्छा। अभी क्या, इस वाले एरिया में यहाँ से अपना हाउसिंग बोर्ड है, अपनी वाली कॉलोनी से भी आगे हाउसिंग बोर्ड है, उसकी डिस्टेंस है अपने प्रोजेक्ट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी। ओके सर। उसमें जो पूरी जमीन है वो लगभग 1500 से 1800 बीघा जमीन में है, वो पूरा हाउसिंग बोर्ड है। उसमें 3 फेज बनने वाले हैं। अच्छा। 3 में से 1 फेज बन गया, 1 फेज में भी सेक्टर है उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके। तो उसमें लगभग 700 से 800 के बीच में मकान बने हुए हैं आज की डेट में, लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, तो दूसरी बात, जैसे कि सर आपने बताया इसके अपनी इस टाउनशिप के नियर बाय, जैसे कि रिंग रोड हो गया, ठीक है, वाटिका गाँव हो गया, अपना ये लाखना रोड हो गया जो कि सीधा कनेक्ट करते हैं जयपुर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे से, डिगी रोड को कनेक्ट करता है। और जैसे आपने बताया कि आवासन मंडल की योजना है यहाँ पे काफी, कितने बीघा में है सर वो लगभग आवासन मंडल है, लगभग 1600 बीघा में है वो, 1600 बीघा में, तो काफी तो कहीं ना कहीं जब वो भी जैसे कि फर्स्ट फेज उसका कम्प्लीट हो गया, तो कहीं ना कहीं आबादी आएगी तो यहाँ पे लगभग सारी सुविधा देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। सारी सुविधाएं अभी तक वाटिका में, जैसे वाहनों की बात करें आने जाने की, गवर्नमेंट की भी लो फ्लोर बस चलती है, 27 नंबर बस चलती है, ऑटो भी चलते हैं, मैजिक भी चलते हैं, और आज की डेट में तो ये ई रिक्शा वाले जो ऑटो है, लगभग सभी जगह ये रहते हैं ई रिक्शा वाले। और मेन वाटिका बस स्टैंड से अपना 1 किलोमीटर, हार्डली 1 किलोमीटर अपना डिस्टेंस है, तो आने जाने की कोई इशू है नहीं हमारे यहाँ पर। और लो फ्लोर कौन सी आती है सर? 27 नंबर की बस आती है यहाँ पर, हर 10 मिनट में आपको यहाँ पे 27 नंबर की लो फ्लोर वाटिका गाँव तक अभी आज की कंडीशन में चालू है वो। चलो सर, आपने इसके नियर बाय ग्रोथ लोकेशन बताई। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि सर अपनी ये GDA अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप है, तो सर मेरे यूजर्स को ये बताओ कि सर इसमें आप क्या क्या डेवलप करके दे रहे हो। इसमें डेवलप करके दे रहे हैं, जो जैसे आप किसी भी एरिया में मकान बना के इंडिविजुअल रहना चाहते हैं ना, वो सारी ए से लेकर के जेड तक जो भी फैसिलिटीज यूज करते हो ना, वो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे गार्डन हो गया, सीवरेज, लाइट, पानी, बोरिंग का हो गया इसमें, अपर और दोनों टंके बनेंगे, अपर ग्राउंड और अंडरग्राउंड। सर का ये कहना है कि जैसे कि आप डे फर्स्ट से भी यहाँ पे मकान बना के रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि गेटेड टाउनशिप में एक प्लॉट वाले को जो नीड होती है
वो सारी सुविधा करके दे दे, जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अंडरग्राउंड सीवरेज हो गया, और बच्चों के लिए गार्डन हो गया, ठीक है, और स्ट्रीट लाइटें हो गई, और इंटरलॉकिंग वाले टाइल रोड हो गए, गार्ड फैसिलिटी है, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, और यहाँ पे मंदिर भी है, और रेड वाटर टैंक है। तो एक प्लॉट वाले को जो नीड होती है ना, बेसिकली वो सारी आप फुलफिल करके दे रहे हो सर, सारी पहले दिन से। ओके, तो सर अब मैं दूसरी बात करूँ मैं कि सर इसमें कितनी फिट की रोडे दे रहे हो आप? इसमें 30 फिट की और 40 फिट की मेजर रोडे हैं। अच्छा, मेन 100 फिट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और अंदर कॉलोनी की जो अपनी रोडे होने वाली है वो है 30 फिट और 40 फिट के। ठीक है सर, आपने रोडे क्लियर की, रोडे अपनी इंटरलॉकिंग टाइलों की होने वाली है, इंटरलॉक, ठीक है। सर मैं बात करूँ मेरे यूजर्स का, ये भी है कि इसमें प्लॉट साइज क्या क्या अवेलेबल होगी, इसमें कौन सी प्लॉट साइज रहेगी इसके अंदर? इसमें 100 गज से स्टार्टिंग है प्लॉटों की, 100 वर्ग से स्टार्टिंग है, 100 वर्ग से स्टार्टिंग है इस प्लॉट। ओके, 100 वर्ग से आपको स्टार्टिंग है, जैसे कि मैं मैप जितना देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 20x40, 20x45, 20x50 के प्लॉट साइज है। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तीनों डायरेक्शन के प्लॉट मिल जाएंगे। तो सर जैसे कि अपन ने कनेक्टिविटी की बात की, डेवलपमेंट की बात की, यहाँ पे रोड कितने फिट के हैं उसकी बात की, और यहाँ पे प्लॉट साइज क्या है उनकी बात की। तो सर अब मेन टॉपिक आता है अपना कि जैसे कि मेरे यूजर्स को ये बताओ सर, आज इस टाउनशिप में मैं इन्वेस्ट करूँ, जैसे इन्वेस्टर को इन फ्यूचर क्या फ़ायदा होने वाला है, और मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? तो सर इसके बारे में मुझे एक बार मेरे यूजर्स को बताइए सर। मेन चीज़ तो ये होती है पवन जी की, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती कौन कौन सी है? जी सर, अब जैसे कि मान लो सर, मैं मेरे नज़रिए में तो ये होता है कि एक कम रेट में बढ़िया ग्रोथेबल लोकेशन में मुझे प्लॉट मिल जाए, ठीक है, और फ्यूचर में आज से 3 से 4 साल में उसका अच्छा रिटर्न मिल जाए, वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आज जो सबसे रेटें कम हैं, कम कहाँ पर हैं, उनकी आने वाली फ्यूचर में जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है, मेन चीज़ें होती है। जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं आएगा कि बसावट का। जैसे आज चाहे कोई सा भी एरिया उठा के देख लो, आज फॉर एग्जाम्पल पत्रकार है, अब उसमें क्या कनेक्टिविटी अच्छी है, मानसरोवर से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आज पत्रकार का एरिया उठा के देखोगे आप तो बहुत सारी कॉलोनियाँ कटी हुई है उसके आसपास में, 40 से 50 हज़ार की रेटें कम है नहीं उस वाले एरिया में। मेन तो क्या है कि कनेक्टिविटी अच्छी थी, उसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बसा हुआ है, बड़ी बड़ी रोडे हैं, बड़े बड़े सारे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रेटें उछाल मार रही है पत्रकार में। ओके सर, तो यहाँ पर भी जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आवासन मंडल का इन्वॉल्व है, जैसे कि 1600 बीघा बताया आपने, जैसे आबादी आएगी इन फ्यूचर तो कहीं ना कहीं प्लॉटों की रेट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि बेस्ट कनेक्टिविटी है, और इन्वेस्टर जाए भी लीगलिटी के साथ भी जाए तो लीगल में भी जाता है वो, कि जैसे कि देखता है कि सोसाइटी पट्टे तो नहीं है, ठीक है, तो वैसे भी अपना ये JDA अप्रूव्ड है तो लीगलिटी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगलिटी में तो कोई दिक्कत, लीगलिटी में भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, JDA अप्रूव्ड है और सारी वेल डेवलपमेंट है, यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बसा हुआ है, 30 से 40 फीट की कनेक्टिविटी है, तो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसका अच्छा, आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है और अच्छा कई गुने का रिटर्न मिल सकता है। तो सर जैसे कि मैं बात करूँ, अब इन्वेस्टर की बात कर ली है, जैसे कि मैं बात करूँ यूजर्स को क्या फायदा होने वाला है? यूजर्स को भी फायदा होने वाला है कि यहाँ पर जो मेन कनेक्टिविटी जो भी मार्केट है ना वो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है, हाउसिंग बोर्ड मकान बना के दे रहा है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट 1 या 2 साल में इतनी फैसिलिटीज यहाँ पर आने लग जाएंगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़, जैसे फैसिलिटीज में क्या आती है, पानी हो गए, सीवरेज, लाइट, पानी, जैसे अपनी कॉलोनी है वो बाहर की कॉलोनियों में भी काम आएंगे। हाँ, जैसे कि सर का ये कहना है कि आज यूजर्स के लिए, जैसे इंडिविजुअल कोई प्लॉट लेते हैं अपन, तो वहाँ पे अपने को खुद से पानी का कनेक्शन, सीवर का भी कोई वो नहीं होता है, मतलब सारी सुविधा अपने खुद को करवानी पड़ती है। और आजकल जैसे कि JDA अप्रूव्ड हो, जब लीगलिटी में जब अप्रूव्ड है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे गेटेड पे तो सारी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें बसावट है, बढ़िया एंट्री है, और जैसे कि प्लॉट वाले को नीड होती है हर चीज़ की, जैसे बिजली, पानी, सीवरेज, हर चीज़ की नीड होती है, बगीचे, और एक सिक्योरिटी भी चाहिए उसको कि भाई गेटेड सोसाइटी हो, बढ़िया हो, तो यूजर्स को कहीं दे फर्स्ट से यहाँ पे मकान बना के रह सकता है वो इजी गोइंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। तो सर जैसे कि अपन ने एक एक करके सारी चीज़ें जानी, तो सर जैसे कि मान लो मेरे कोई क्लाइंट
मेरे YouTube फैमिली कोई प्लॉट बुक करवाना चाहे तो बुकिंग करवाने का क्या प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे? बुकिंग प्रोसेस है, आओ अपना प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट यदि पसंद आता है तो 1,00,000 रुपये का से बुकिंग अमाउंट। अच्छा, बुकिंग उसमें बुकिंग स्टार्ट हो जाती है 1,00,000 रुपये टैक्स से या 1,00,000 रुपये, है ना? और उसके बाद में जो भी लोन की प्रोसेस होती है प्रक्रिया वो भी जो भी है वो कंप्लीट करवा के आप कितने दिन में GD पट्टा दे देते हो? ये 10 से 15 दिन का प्रोसेस। 10 से 15 दिन का। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया, सारी चीज़ें बताई इस टाउनशिप के बारे में, सर आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपको। और हमारे यूट्यूब फैमिली को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट देखिए, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बार विजिट जरूर करिए, लेना ना लेना वो तो बाग के ऊपर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों, एक बार मैं इस कॉलोनी का आपको एक बार टूर करवा देता हूँ, तो आइए ले चलता हूँ एक बार इस कॉलोनी के टूर पर। लॉन्चिंग में यहाँ पे प्लॉट बुक करवा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और दोस्तों, वैसे मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस पे कॉल करके आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं इस टाउनशिप की, GD अप्रूव टाउनशिप की। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूँ अच्छी अच्छी लोकेशन की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिजाइन। बाय बाय।